हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास वन का ईवीएस। तो इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 आवर नेबरहुड। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 9 आवर नेबरहुड। आवर नेबरहुड मतलब हमारा आस पड़ोस। हम जहाँ पर भी रहते हैं ना, उसके आस पड़ोस में जो जो चीज़ें होती है, जो जो सर्विसेज होते हैं, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल होता है, बैंक होता है, पुलिस स्टेशन होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, मतलब जो जो जगह हमारे चारों ओर हम देखते हैं और होती है ना, तो वो सब मिलाकर बनता है हमारा नेबरहुड। नेबर क्या होता है? नेबर मतलब पड़ोसी, और नेबरहुड मतलब हमारा आस पड़ोस, जहाँ पर भी हम रहते हैं उस पूरे एरिया को हम नेबरहुड बोलेंगे। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि वॉट इज़ नेबरहुड, नेबरहुड क्या है, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, और वो सारी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो हमारे चारों तरफ होनी चाहिए हमारे नेबरहुड में, और गुड नेबर्स कैसे होते हैं, एक अच्छा पड़ोसी कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी चैप्टर को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। वी लिव इन आवर हाउस, हम अपने घर में रहते हैं। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड, वो सारी एरिया, वो एरिया, वो जगह जो हमारे घर के चारों तरफ होती है, उसी को हम नेबरहुड बोलते हैं। द पीपल लिविंग इन आवर नेबरहुड आर कॉल्ड आवर नेबर्स, और वो लोग जो हमारे नेबरहुड में रहते हैं, मतलब हमारे आस पास रहते हैं, उन्हें हम नेबर्स बोलते हैं, मतलब पड़ोसी। ठीक है, वी मस्ट हैव गुड रिलेशंस विद आवर नेबर्स, हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता हमारे नेबर्स के साथ अच्छा होना चाहिए, है ना, तभी जब ज़रूरत हो तो हम वो हमारी मदद करेंगे और हम भी उनकी मदद करेंगे, है ना, तो एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। आवर नेबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, देखिए हमारे नेबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ज़रूरत होती है ना, तो हमारे रिश्तेदार और हमारे मम्मी पापा, मतलब आपके दादा दादी, ये सब हमारे साथ नहीं होते, तो नेबर्स ही होते हैं जो इमरजेंसी में हमारी मदद कर पाते हैं, तो हमें हमेशा एक रिलेशन उनके साथ बनाए रखना चाहिए। दे हेल्प अस एट द टाइम वेन वी आर इन नीड, वो हमारी मदद करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। वी कैन शेयर अवर जॉयस एंड सोरोस विद देम, हम अपनी खुशी बांट सकते हैं, जॉय मतलब खुशी, सोरो मतलब दुख। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपने नेबर्स के साथ बांट सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए प्लेसेस इन आवर नेबरहुड, वो सारी जगह जो हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं। सो कौन सी जगह है, देखिए द प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड द पीपल लिविंग एंड वर्किंग देयर फॉर्म आवर नेबरहुड, तो वो सारी जगह जो हमारे चारों तरफ होती है घर के, और वो लोग जो हमारे चारों तरफ रहते हैं, और कौन कौन से काम वो लोग करते हैं, इन सभी को मिलाकर हमारा एक नेबरहुड बनता है। दीज प्लेसेस आर वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट टू अस, और ये सारी जगह ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सारे जगहों का हमारे आस पड़ोस में होना ज़रूरी होता है। दे मेक अवर लाइफ ईजी, वो हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं, आसान, सेफ बनाते हैं, सुरक्षित बनाते हैं, और कम्फर्टेबल यानी आरामदायक ज़िंदगी हमें मिलती है अगर हमारा नेबरहुड अच्छा हो तो। अब देखिए यहाँ पर मॉल्स के बारे में बताया, मॉल आपको पता है जो शॉपिंग मॉल होता है, उसमें ऑल टाइप ऑफ शॉप्स होते हैं, सारे तरह के दुकान आपको एक ही बिल्डिंग में मिल जाएंगे, जो कि एयर कंडीशनड बिल्डिंग होता है, मतलब पूरा पैक्ड होता है ना, और एक अच्छा सा बिल्डिंग होता है जिसमें सब कुछ मिलता है। तो आजकल ना लोग पसंद करते हैं अपने घर के पास मॉल हो, ताकि वो शॉपिंग जा सके, क्योंकि वहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ शॉप्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ पे हम खाना खाने जाते हैं, और सिनेमा हॉल्स, हम मूवी देखने भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मॉल जो है आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है लोगों की कम्फर्टेबल लाइफ के लिए। ठीक है, सो हमारा सबसे पहला नेबरहुड है मार्केट। देखिए मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अपने घर का सामान कहाँ से लाएंगे, है ना, हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, इसलिए हमारे आस पड़ोस में एक अच्छा सा मार्केट होना चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें हमें मिले। वी गो टू द नियर बाई मार्केट, नियर बाई मार्केट मतलब पास वाला एक मार्केट होना चाहिए जिसमें हम जा सकें टू बाई थिंग्स ऑफ डेली नीड्स, ताकि हम जो है अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करने के लिए वहाँ पर जाए और उन्हें खरीद पाए। तो ये है मार्केट का काम। नेक्स्ट क्या है, देखिए पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, देखिए वी कैन बाय पोस्ट कार्ड्स, हम पोस्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं। पोस्ट कार्ड्स मतलब जिसमें ना किसी को अगर कोई मैसेज भेजना हो, तो हम पोस्ट कार्ड्स में लिखकर भेज सकते हैं। पहले ये काफ़ी यूज होता था, पर अभी जो है कम हो गया है, क्योंकि मोबाइल फोन्स आ गए हैं, तो तुरंत जल्दी से मैसेज भेजने के लिए लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी पोस्ट कार्ड्स अगर आपको चाहिए, हम पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं। देन एनवेलप, वो कवर है जिसमें हम लिखे हुए लेटर को डालकर पोस्ट
यूज्ड करते हैं। देन एरोग्राम्स, ये भी एक टाइप ऑफ पेपर है जिसमें लेटर लिखा जाता है, ठीक है। स्टैम्प्स मतलब जो स्टैम्प्स लगाते हैं ना लेटर्स के ऊपर, जिससे जो है हम जहां पर भी हमें लेटर पहुंचाना हो वहां तक वो पहुंचता है, उसके लिए हमें जो है पैसे से स्टैम्प खरीदना पड़ता है और उसमें चिपकाना पड़ता है। एंड पोस्ट लेटर्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस, और हम पोस्ट कर सकते हैं लेटर्स एक पोस्ट ऑफिस से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, नेम एनी थ्री प्लेसेस इन योर नेबरहुड, आपके नेबरहुड में आप अपने घर के चारों तरफ देखिए कि आपके घर के चारों तरफ कौन कौन से प्लेसेस हैं। मार्केट लिख सकते हैं, मार्केट तो होगा ही होगा, है ना। देन हॉस्पिटल हो सकता है, देन स्कूल हो सकता है, तो कोई भी तीन प्लेसेस आप अपने नेबरहुड में जो है वो लिखिए। इसके अलावा क्या होता है, देखिए वर्शिप प्लेसेस होते हैं, है ना, जहाँ पर हम जाकर अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन के लोग हो। देखिए चर्च, चर्च में कौन जाते हैं, जो क्रिश्चियन रिलीजन के लोग होते हैं उनका वर्शिप प्लेस है चर्च। मॉस्क मुस्लिम रिलीजन के लोगों का वर्शिप प्लेस है। टेम्पल हिंदूज का वर्शिप प्लेस है। गुरुद्वारा सिख रिलीजन के लोगों का वर्शिप प्लेस है, ठीक है। पर चाहे हम कोई भी रिलीजन के हो, हम हर वर्शिप प्लेस में जा सकते हैं और हम प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन गो टू दिस प्लेसेस टू वर्शिप इन अवर नेबरहुड, तो ये सारे वर्शिप प्लेसेस हैं जो हमारे आस पड़ोस में होती है। देन क्या है, देखिए स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हमें जाकर पढ़ाई करनी है ना, तो स्कूल का भी होना चाहिए। देखिए स्कूल्स आर ऑल्सो देयर इन अवर नेबरहुड, स्कूल्स भी होते हैं हमारे नेबरहुड में। चिल्ड्रन ऑफ द फैमिलीज हु लिव नियर बाय गो टू दीज स्कूल्स, और वो सारे बच्चे जो उस एरिया में रहते हैं वो उसी स्कूल में जाते हैं, है ना। तो हम जो है हमेशा उसी स्कूल में जाते हैं जो हमारे घर के पास होता है ना, क्योंकि बहुत दूर जाकर कोई स्कूल में नहीं जाता है ना, तो एक स्कूल भी अच्छा सा होना चाहिए हमारे एक अच्छे नेबरहुड में। एवरी स्कूल हैज़ अ स्पेशल यूनिफॉर्म, और आपको पता है ना हर स्कूल का एक स्पेशल यूनिफॉर्म भी होता है, ताकि पता चले कि ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्कूल की पिक्चर भी दिखाई गई है यहाँ पे। नेक्स्ट नेबरहुड प्लेस देखिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, है ना। हॉस्पिटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अवर नेबरहुड, हॉस्पिटल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे नेबरहुड का। वी गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन वी आर नॉट वेल, जब हम बीमार होते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं होती हम हॉस्पिटल में जाते हैं। द डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन द हॉस्पिटल टेक केयर ऑफ अस, और जो डॉक्टर्स होते हैं और नर्सेस होते हैं वो हमारा ध्यान रखते हैं हॉस्पिटल में। एंड गिव्स अस मेडिसिन, हमें दवाइयाँ देते हैं। एंड हेल्प अस टू फील बेटर, और हमें अच्छा फील करवाते हैं, मतलब हमारी बीमारी भी जो है दूर हो जाती है, हम ठीक हो जाते हैं अगर हम अच्छे हॉस्पिटल में जाए और हमारा चेकअप करवाए, है ना। तो हॉस्पिटल्स भी होते हैं नेबरहुड में। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, नेम थ्री थिंग्स यूज्ड बाय अ डॉक्टर, तीन चीज़ें लिखिए जो एक डॉक्टर यूज करता है, जैसे स्टेथोस्कोप यूज करता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर के पास होता है। नेम अ हॉस्पिटल इन योर नेबरहुड, आपके घर के पास जो हॉस्पिटल है ना उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सबके आंसर अलग अलग होंगे, आप लिखिए आपके नेबरहुड में कौन सा हॉस्पिटल है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है पार्क, देखिए पार्क भी जरूरी है क्योंकि हमें खेलना कूदना भी तो है ना। सो पार्क इज द फेवरेट प्लेस फॉर चिल्ड्रन, पार्क जो है बच्चों का फेवरेट प्लेस होता है टू प्ले, क्योंकि उनको खेलना होता है। देर आर लॉट्स ऑफ स्विंग्स, वहाँ पे बहुत सारे झूले होते हैं एंड स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड्स ये है और स्विंग ये है, आपको पता होगा, है ना। इन द पार्क, ये सारी चीज़ें होती है एक पार्क में। पीपल गो फॉर अ वॉक, इसके अलावा देखिए वॉकिंग ट्रैक्स भी होते हैं, जैसे रोड यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे लोग वॉक भी कर सकते हैं। एंड टू डू एक्सरसाइज इन द पार्क, और वहाँ पे लोग जो है एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है पार्क में, जब हम पार्क में जाते हैं तो ये सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट प्लेस नेक्स्ट कौन सा है, पुलिस स्टेशन। हाँ जी, पुलिस स्टेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें जो है अपनी लाइफ को सेफ रखना है ना। पुलिस स्टेशन इज़ अ प्लेस वेयर द पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन वर्क, जहाँ पर पुलिस मैन यानी जो आदमी लोग होते हैं पुलिस, और जो औरतें होती है पुलिस, ठीक है, वो दोनों लोग काम करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। दे लुक आफ्टर एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अवर नेबरहुड एंड कीप्स अस सेफ, वो जो है वो सारे नियम और कानून का पालन करते हैं, देखते हैं कि बाकी
सारे लोग भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा है ना, कोई किसी को तंग तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें जो है पुलिस देखती रहती है उस नेबरहुड में, जिससे कि हमारी लाइफ सेफ होती है, हम आराम से सुरक्षित होकर रह सकते हैं। ठीक है, पुलिस क्या करता है देखिए, पुलिस कैचेस द थीव्स, गुंडों को पकड़ता है, चोरों को पकड़ता है, रॉबर्स है ना, जो डकैती लोग होते हैं, जो दूसरों पर हमला करते हैं, उनकी चीज़ें हड़पते हैं, इन सभी को पुलिस पकड़ता है एंड कीप्स देम इन जेल और प्रिजन, और उन्हें जेल में डाल देते हैं। उनको अच्छी सजा भी मिलती है, बहुत अच्छा पनिशमेंट भी वो लोग देते हैं। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए ना, जो बुरा काम करता है उसे पकड़ना भी ज़रूरी होता है ना। अब नेक्स्ट प्लेस देखिए, बैंक। बैंक का काम क्या है देखिए, बैंक वो जगह है जहाँ पर हम सब अपने पैसे रखते हैं, आपके मम्मी पापा के जो सारे पैसे होते हैं ना, वो सब बैंक में होते हैं। देखिए, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ बैंक इन अवर नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में बहुत सारे टाइप ऑफ बैंक्स होते हैं। वी कैन कीप अवर मनी एंड ज्वेलरी सेफ इन द बैंक, हम अपने पैसे और ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब वो सारी महंगी वैल्यूबल थिंग्स जो मम्मी या आप पहनते होंगे, जो आपके फैमिली मेंबर्स पहनते हैं, जैसे सोना चांदी, ये सारी चीज़ें भी होती है ना, सो प्रीशियस ज्वेलरीज भी होते हैं घर में है ना, तो वो सारी चीज़ें अगर आप घर में रखोगे, पैसे ज्वेलरी, तो कोई भी चोर आएगा और आपको लूट के चला जाएगा है ना। तो हमें कहाँ पे रखना चाहिए, ये सब बैंक में रखना चाहिए। ज़्यादा पैसे और ज़्यादा ज्वेलरीज हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, सेफ नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए बैंक होता है, ताकि हम बैंक में जाके जमा करें और बैंक में वो सारी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं, इसीलिए बैंक में रखते हैं। अब देखिए, ग्रैनी बता रही है कि हमें अपना आस पड़ोस ग्रीन रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और सेफ रखना चाहिए, ताकि हम आराम से अपने नेबरहुड में रह सके। इसके अलावा भी कुछ जगह होती है देखिए, जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन, आपको कहीं पर ट्रैवल करना हो तो आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, ऑटो स्टैंड और रेस्टोरेंट, मज़ेदार स्वादिष्ट खाना खाने के लिए हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। तो ये सारे हैं अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो हमारे नेबरहुड में होते हैं, ठीक है, जो कि पिक्चर के साथ यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, हमारी ड्यूटी है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर नेबरहुड, हमें अपने नेबरहुड का, हमारे चारों तरफ का भी ध्यान रखना चाहिए, साफ और सुंदर रखना चाहिए, ताकि हम भी बीमारियों से बचे रहें। वी मस्ट ऑल्सो वर्क टुगेदर, हम सबको जो है काम करना चाहिए मिलकर, किस लिए, टू मेक देम, हमारे नेबरहुड को, हमारे आस पड़ोस को नीट रखने के लिए, ब्यूटीफुल, सुंदर रखने के लिए, और पीसफुल प्लेस टू लिव इन, पीसफुल मतलब जहाँ पर बहुत ही शांति हो, कोई बेकार चीज़ें जहाँ पर नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा एक अच्छा सा प्लेस हमें जो है अपने नेबरहुड को बनाना है, और यही आपका चैप्टर है अवर नेबरहुड। चलिए इसके एक्सरसाइजेस जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको टिक करना है वो सारी जगह जो आपके नेबरहुड में है, मतलब जो आपके लोकेलिटी में है, आपके घर के पास है। तो स्कूल तो ज़रूर से होगा, हॉस्पिटल भी होगा, मार्केट भी होगा, तो जो जो चीज़ें हैं ना वहाँ पे आप टिक करिए, और जो जो चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे क्रॉस करिए। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये सबका आंसर अलग अलग होगा। वैसे मोस्टली तो ये सारी चीज़ें होती ही है, लेकिन गाँव में अगर आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको टिक करके मार्क करिए। नेक्स्ट देखिए, विच प्लेस इन योर नेबरहुड विल यू गो इफ, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको रीड करना है और पता लगाना है कि अगर ऐसा हुआ तो आप कौन से नेबरहुड सर्विसेज के पास जाएंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, यू वांट टू रिपोर्ट अबाउट योर स्टोलन कार, अगर आपकी कार चोरी हो जाए तो आप रिपोर्ट कराने के लिए कहाँ पर जाएंगे, आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिख देते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, योर ग्रैंडफादर इज सिक, आपके ग्रैंडफादर सिक हैं तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे हॉस्पिटल में। इफ़ यू वांट टू बाय स्टैम्प्स, अगर आपको स्टैम्प्स खरीदना है तो आप जाओगे पोस्ट ऑफिस में। देन इफ यू वांट टू डिपॉजिट मनी इन योर अकाउंट, आपको पैसे जमा करने हैं अपने बैंक अकाउंट में तो आप कहां पर जाओगे, बैंक में जाओगे। यू वांट टू बाय ग्रोसरी, ग्रोसरी मतलब जो घर का सामान होता है, तो घर का सामान लेने के लिए आप कहां पर जाओगे, मार्केट जाओगे या फिर शॉपिंग मॉल में भी जा सकते हो। ठीक है, तो कोई भी लिखिए। देन यू वांट टू कैच अ ट्रेन, आपको एक ट्रेन पकड़नी है, आप कहीं जा रहे हो तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट करिए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ योर नेबर्स हु लिव, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि आपके घर के पास ना, आपके पड़ोसी में, यानी आपके आस पड़ोस में आपके पड़ोसियाँ कहाँ पर रहते हैं, सो आपके राइट में कौन रहता है, आपके लेफ्ट में कौन रहता है। तो ये सारे जो है पड़ोसियों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि राइट ऑफ योर हाउस मतलब आपके घर के राइट साइड में। ठीक है, तो आप देखिए आपके घर का राइट साइड कौन सा है, मम्मी पापा से पूछिए और उनके नाम आप यहाँ पे लिखिए कि राइट में कौन रहता है,
आपके घर के लेफ्ट साइड में कौन रहता है और आपके घर के जस्ट सामने किसका घर है। तो ये सब आप अपने पर्सनल डिटेल्स हैं जो यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद देखिए एनसर्कल द थिंग्स, यहाँ पे आपको सर्कल करना है उन चीज़ों को जिससे आप अपने नियर बाय मार्केट से खरीद सकते हैं, यानी पास वाली दुकान से खरीद सकते हैं। सब आप अपने आप ही कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए चेयर अगर आपको खरीदना है तो आपको क्या मिलेगा आपके नियर बाय मार्केट में, मिलेगा है ना। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो पक्का मिलेंगे, कार इतनी आसानी से नहीं मिलेगा है ना, उसके लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ये नहीं मिलेगा। बुक्स तो आसानी से मिल सकता है, देन देखिए शूज़ भी मिल सकता है, सो ट्रेन भी नहीं मिल सकता, टेलीविज़न टेलीविज़न भी हो सकता है ना, वॉच वॉच भी ले सकते हैं, फ़ैन, तो ये सब अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं जो आपके लोकेलिटी में हो, जो कि आपके नियर बाय मार्केट में मिलता हो, ठीक है। देन देखिए राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर नेबरहुड। अब यहाँ पे आपको नाम लिखना है जो हॉस्पिटल आपके घर के पास है उस हॉस्पिटल का नाम, कौन से प्लेस ऑफ वर्शिप है, कौन सा टेम्पल है, मॉस्क है, चर्च है या गुरुद्वारा है, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपके घर के पास है। सिनेमा हॉल का नाम क्या है, बैंक का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, ये सब आप अपनी मर्जी से लिखिए, आप सबका आंसर अलग अलग ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं जो आपको करना है, ये है स्कूल, ये है हॉस्पिटल, तो देखिए स्पेलिंग्स और फाइंड आउट करिए कौन सा वर्ड है, ये है मॉस्क, ये है सिनेमा हॉल और ये है चर्च, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करके लिखना है यहाँ पे। देन नेम द प्लेस वेर यू विल फाइंड दिस थिंग्स, ये कौन सी जगह पर आपको दिखाई देगी, ये हथकड़ी है तो ये कहाँ पर होगी, ये पुलिस स्टेशन में होगी। ये एक एनवेलप है जिसमें हम लेटर लिखकर भेज सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा पोस्ट ऑफिस में। देन ये आपको दिखाई देगा हॉस्पिटल में। देन ये ब्लैक बोर्ड है, ये आपको स्कूल में दिखेगा। ये झूला है, यहाँ पर पार्क लिखेंगे, ठीक है। और देन यहाँ पर देखिए हैप्पी फेस ड्रॉ करिए अगर वो स्टेटमेंट्स आपको सही लगता है, और सैड फेस ड्रॉ करिए अगर वो गलत लगता है। देखिए आई फाइट विथ माई नेबर्स, मैं अपने नेबर्स के साथ लड़ाई करता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है ना, तो हम यहाँ पर जो है सैड फेस बनाएंगे। आई हेल्प माई नेबर्स, तो हेल्प माई नेबर्स तो अच्छी बात है, तो हम यहाँ पे हैप्पी फेस बनाएंगे। आई यूज़ डस्टबिन इन द पार्क, हम डस्टबिन यूज़ करते हैं जब पार्क में जाते हैं तो गार्बेज फेंकने के लिए, गार्बेज मतलब कचरा, तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे हैप्पी फेस बनाइए। आई शाउट एंड रन इन द हॉस्पिटल, शाउट करना चिल्लाना भागना हॉस्पिटल में अच्छा नहीं है, तो सैड फेस बनाना है। आई हेल्प ओल्ड पीपल ऑन द रोड, बूढ़े लोगों को रोड पर हेल्प करना अच्छी बात है। आई फाइट फॉर अ कार पार्किंग स्पेस, कार पार्क करने के लिए किसी से झगड़ा करना गलत बात है। आई वेट इन अ क्यू इन द बैंक, मैं बैंक में जब जाता हूँ तो अपनी बारी के लिए क्यू में वेट करता हूँ, गुड, ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।